तो फाइनली गाइज आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ OnePlus Nord 2T 5G। और इस मोबाइल की काफ़ी दिनों से मांग थी कि भाई इसका रिव्यू बनाओ, इसकी वीडियो डालो। तो दोस्तों मैं आपको सच बताऊँ तो ये जो मोबाइल है मेरे पास लगभग पिछले 15 दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। अच्छी तरह से मैंने इसके अंदर गेमिंग की है और नॉर्मली इसको अच्छी तरह से यूज़ किया है। और अब मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको एक 30,000 रुपये के अंदर कोई मोबाइल फ़ोन चाहिए तो इस मोबाइल फ़ोन को आपको चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखे, लोग बता रहे थे कि आपको नथिंग चूज़ करना चाहिए और काफ़ी सारे तो कमेंट में ये पूछ रहे थे कि भाई बस ये बता दो कि ये ब्लास्ट तो नहीं होगा, क्योंकि जो OnePlus Nord 2 था उसकी काफ़ी सारे अफवाह फैले थे कि भाई वो ब्लास्ट हो चुका है, जबकि कंपनी ने ऐसा कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पर फिर भी लोग पूछ रहे कि भाई बस इतना बता दो कि ब्लास्ट तो नहीं होगा। दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें ना इसकी डिजाइनिंग की, क्योंकि काफी सारे मैंने कमेंट्स ये भी देखे कि इसकी डिजाइनिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं सच बताऊं तो इसकी जो पीछे का ये जो बैक पैनल है ना काफी अच्छा है, यहाँ पे ग्लास का मिलता है, पर इसकी जो फिनिशिंग है ना दोस्तों काफी ज्यादा यूनिक है। यहाँ पे आपके फिंगर्स वगैरह नहीं छपते और काफी ज्यादा मजा आता है, स्क्रेचेस वगैरह इतने आसानी से नहीं आएंगे। और यहाँ पे पीछे की जो डिजाइनिंग है स्पेशली मुझे तो काफी अच्छी लगी। हाँ काफी लोगों को प्लेट टाइप डिजाइनिंग अच्छी लगती है, तो इसके अंदर फ्लैट नहीं है, कर्व डिजाइनिंग है, तो काफी अच्छी डिजाइनिंग है। और इसके अंदर आपको 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलता है। हाँ होना चाहिए था, क्योंकि एक गेमिंग फोन है तो अगर 3.5 mm होता तो अच्छा होता, पर नहीं है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो आपने देखा होगा आजकल तो जितने भी मोबाइल फोन आ रहे हैं जो यहाँ पे 20,000 प्लस है उनके लगभग के यहाँ पर 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इसके अंदर आपको स्टीरियो के ड्यूल स्पीकर्स मिलते हैं, तो साउंड के अंदर तो कोई भी दिक्कत देखने को मिलेगी ही नहीं, काफी अच्छी साउंड है, मैंने काफी यूज किया है यहाँ पे। अगर आप इसके मतलब बाजार वगैरह के अंदर भी इसको चलाते हो, म्यूजिक वगैरह सुनते हो, मूवीज वगैरह देखते हो, तो भी आपकी जो वॉइस है काफी लाउड आएगी, आप एक बार जरूर ट्राई कर लीजिए। और अगर आप ऑफलाइन शॉप पे जाकर इसको ट्राई भी कर सकते हो। और अगर बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और HDR10 का भी सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलती, एमोलेड डिस्प्ले है। अगर आप इसके अंदर गेमिंग वगैरह खेलोगे तो काफी ज्यादा स्मूथ देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा मजा आएगा खेलने के अंदर। तो चलिए अब गेमिंग की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो अगर कोई भी खरीदना चाहता है इसको, ज्यादातर 80% लोग इसको गेमिंग के लिए ही खरीदेंगे। तो मैंने इसके अंदर BGMI को काफी घंटे तक खेला है, कंटिन्यू 1-2 घंटे तक खेलकर देखा है। हाँ हीटिंग होता है और लगभग सभी मोबाइल्स हीट होते हैं, पर यह भी उनकी तरह अगर आप ज्यादा खेलोगे तो हीट होगा। और अगर आप चाहते हो कि इसका BGMI टेस्ट चाहिए तो मैंने BGMI टेस्ट कर रखा है पर वीडियो अपलोड अभी तक नहीं किया। पर अगर आप चाहते हो कि आपको एक BGMI की वीडियो चाहिए पूरी डिटेल के अंदर, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं BGMI की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि इसकी बैटरी कितनी ड्रेन होती है, सब कुछ बताया है। तो मैं आपको बता दूं इसकी बैटरी थोड़ी सी ज्यादा ड्रेन होती है। और प्रोसेसर तो इसका आपको पता ही होगा, मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 मिलता है इसके अंदर, जो कि 5G प्रोसेसर हम इसको कह सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे अगर गेमिंग वगैरह करते हो तो आपको इसके अंदर 60fps मिल जाएंगे, आप स्मूथ एंड एक्सट्रीम के अंदर खेल सकते हैं बिना किसी लेग के। और हीटिंग का जो मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, और जायरो वगैरह अच्छी तरह से वर्क करता है, मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे गेम खेल कर देखा है। तो गेमिंग के लिए अगर आपको कोई मोबाइल फोन चाहिए तो आप बिल्कुल OnePlus यहाँ पे Note 2T पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बैटरी थोड़ी सी ड्रेन ज्यादा होती है, क्योंकि 4500 mAh की इसके अंदर बैटरी मिलती है, पर 80W का चार्जर देखने को मिलता है जो कि आपके मोबाइल को काफी तेजी से चार्ज कर देता है। सच कहूं तो मुझे यहां पर कम से कम यहां पे 35 से 40 मिनट लगे यहां पे 100% होने में। मैंने काफी बार करके देखा, कभी 32 मिनट के अंदर भी हुआ, कभी 33, पर यहां से 30 या 40 मिनट के ऊपर नहीं जाएगा, मतलब 40 मिनट के अंदर अंदर 0 से 100% बैटरी चार्ज हो जाती है। चलिए दोस्तों अब कैमरे को लेकर कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि कैमरे से रिलेटेड भी काफी सारे सवाल हैं। तो कैमरा मैंने काफ़ी अच्छी तरह से इसका टेस्ट किया है, काफ़ी फोटोज़ वगैरह खींचे हैं, वीडियोज़ वगैरह बनाए हैं। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमराज मिलते हैं, पर ऐसे देखने में लगता है सिर्फ दो ही कैमरे, एक छोटा सा कैमरा और है जो कि मैक्रो के नाम से है, जिसका कोई भी ज़्यादा मतलब नहीं है। तो इसके अंदर जो मेन कैमरा मिलता है आपको मिलता है 50MP का, और वो मिलता है सोनी का सेंसर, सोनी IMX766। और दोस्तों आपको 16MP का मिलता है अल्ट्रा वाइड कैमरा, वो भी काफी अच्छा है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो अल्ट्रा क्लियर 32MP का यहाँ पे साइड में आपको कैमरा मिलता है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा हम मेगापिक्सल पर बिलीव नहीं रखते, तो मैंने काफी सारी फोटोज क्लिक की है और मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसको व्लॉगिंग वगैरह के लिए खरीदना चाहते हो तो वीडियो के बारे में भी डिटेल वगैरह में बताता हूँ,
तो चलिए, तो ये देख सकते हो दोस्तों, मैंने काफ़ी सारी फोटोज़ क्लिक किए जो कि मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। तो ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने नॉर्मल कैमरे से, यहाँ पे सेल्फी कैमरे से क्लिक किए तो काफ़ी अच्छी फोटो आई। आप देख सकते हो एकदम डिटेल वगैरह एकदम ओरिजिनल है, यहाँ पे इसके अंदर ज़्यादा गोरा वगैरह नहीं करता, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देख सकते हो पीछे बैकग्राउंड वगैरह काफ़ी अच्छे से हुआ है। और ये देख सकते हो ब्लर के अंदर, यहाँ पे मैंने पूरा ब्लर कर रखा है, ये देखिए पीछे से, और ब्लर काफ़ी अच्छे से हुआ है। और ये भी देख सकते हो, और ये मैंने अल्ट्रा वाइड कैमरे से क्लिक की है तो काफ़ी अच्छी फोटो आई है अल्ट्रा वाइड के अंदर। आप देख सकते हो ये देखिए डिटेल वगैरह एकदम ओरिजिनल है, पीछे ब्लर वगैरह कलर वगैरह सब कुछ अच्छा देखने को मिलता है। और इसको भी देख सकते हो अल्ट्रा वाइड एंगल से, ये देखिए काफ़ी अच्छी फोटोज आती है। और ये बैक कैमरे से यहाँ पे पोर्ट्रेट के अंदर, यहाँ भी देख सकते हो दोस्तों फोटो काफ़ी तगड़ी है, ये एकदम ओरिजिनलिटी है। यहाँ पे टी शर्ट वगैरह का कलर है जो है एकदम ओरिजिनल है ये। और ये नॉर्मल के अंदर देख सकते हो बिना पोर्ट्रेट के, ये देख सकते हो ये भी काफ़ी अच्छी फोटो आई है, ये देख सकते हो बहुत ही तगड़ी फोटो आ रही है। मेरे हिसाब से तो इसका कैमरा ठीक है, ये देख सकते हो काफ़ी अच्छी अच्छी फोटोज आई है मैंने क्लिक की है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बारिश का मौसम था तो काफ़ी तगड़ी है, देखिए फोटोज़ में कोई भी कमी नहीं है। और यहाँ पे कोई भी फिल्टर वगैरह यूज़ नहीं किया है मैंने, सब कुछ ओरिजिनल है ये देख सकते हो। यहाँ पे ब्लर के अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पे पीछे ब्लर वगैरह काफ़ी अच्छे से हुआ है, ये देख सकते हो। ये देखिए फोटो पे मत जाइए दोस्तों, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो आप देख सकते हो। ये देखिए ब्लर के अंदर, यहाँ पे पोर्ट्रेट के अंदर मैंने काफ़ी सारी फोटोज़ क्लिक की है जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी आई है, ये देख सकते हो दोनों के अंदर डिफरेंस। और दोस्तों मैं आपको एक वीडियो और दिखा देता हूं जो कि मैंने इसी से रिकॉर्ड की है, आप देख सकते हो। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा अगर आप व्लॉगिंग वगैरह बनाना चाहते हो। दोस्तों ये जो वीडियो देख पा रहे हो ये बैक कैमरे से है और 4K के अंदर रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हो तो अगर स्टेबलाइजेशन की बात करें तो मैं थोड़ा आपको दौड़ कर दिखाता हूं, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर। तो दोस्तों आपने देखा होगा कैमरे के अंदर आपको ज़्यादा कुछ शिकायत देखने को नहीं मिलती है, आप एक अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो। और अगर वीडियो शूटिंग की बात करें तो 4K के अंदर आप सिर्फ 30 FPS के अंदर ही रिकॉर्ड कर सकते हो। मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको 60 FPS का ऑप्शन मिलना चाहिए था, और 1080 के अंदर आप 60 FPS के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। और दोस्तों आप इसके अंदर फ्रंट कैमरे से 4K के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ 1080 के अंदर ही रिकॉर्ड कर पाओगे। तो अगर आप एक व्लॉगिंग फोन चाहते हो तो आप इसको खरीद सकते हो, पर इससे भी अच्छे आपको मिल जाएंगे अगर कैमरा के अंदर बात करें। पर अगर आपको गेमिंग वगैरह के लिए चाहिए, यानी कि आपको ओवरऑल एक फोन चाहिए जिसके अंदर गेमिंग वगैरह सब कुछ अच्छा हो, तो दोस्तों अगर मैं फाइनल रिव्यू की बात करूं तो जो मेरे पास वेरिएंट है 12 GB रैम और 256 है, जो कि लगभग 33,000 रुपए की प्राइस है। तो मैंने ऑफलाइन से लिया है तो मुझे थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिला है, कोई जानकार का था तो मुझे थोड़ा सा सस्ता मिला है, कम से कम 31,000 रुपए तक मुझे मिल चुका है। तो दोस्तों आप एक बार ऑफलाइन या ऑनलाइन जरूर ट्राई कर लीजिए, आपको जहां भी जैसा सस्ता मिले आप वहां से खरीद सकते हो। और काफी अच्छा मोबाइल है, ऐसी कोई मेजर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर जिसके लिए आपको ना खरीदना पड़े, आप इसको बिल्कुल खरीद सकते हो, काफी अच्छा मोबाइल है। तो अगर आपका OnePlus Note 2T से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। हम ऐसे ही यूजफुल वीडियोस हमारे चैनल पर हर दिन लाते रहते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।